नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुभाष परियार और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल सुभाष साइंस गाइड में, जहाँ पर आपको मिलते हैं साइंस से रिलेटेड वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंडल के दूसरा नियम के बारे में, जिसे बोलते हैं पृथक्करण का नियम। ये मेंडल का नियम दूसरा नियम है, ठीक है। मेंडल ने क्या किया था कि जब जनक पादपों के मध्य उसने संकरण करवाया था तो हमें F1 पीढ़ी प्राप्त हुई थी। जनक पादपों के मध्य जब संकरण करवाया तो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई थी, और इसी F1 पीढ़ी को फिर संकरण करवाया तो हमें F2 पीढ़ी प्राप्त हुई थी। इसमें चेकरबोर्ड के द्वारा भी समझाएंगे और दूसरा क्रॉस के द्वारा भी बताया जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का पृथक्करण का नियम, ठीक है। सबसे पहली चीज़, जो पृथक्करण का नियम था वो एक संकर संकरण पर ही आधारित था, क्योंकि मेंडल ने केवल एक संकर, पहले भी शब्दावलियों के अंदर हमने देखा था, तकनीकी शब्दों के अंदर देखा था कि केवल एक लक्षणों पर कार्य होता है, उसी को हम बोलते हैं एक संकर संकरण। तो इन्होंने यहाँ पर केवल एक ही लक्षण काम में लिया था, लंबापन और बोनापन। एक ही लक्षण है, लंबा या बोना, ठीक है। तो ये एक संकर संकरण पर आधारित था, सबसे बड़ी चीज़। दूसरी चीज़ इसने बोला था कि इसने पृथक्करण का नियम, मतलब ये पृथक्करण ही नाम क्यों दिया, क्योंकि जब F1 पीढ़ी में संकरण करवाते हैं, जब F1 पीढ़ी में संकरण करवाते हैं तो F2 पीढ़ी जो हमें क्या होती है भाई प्राप्त होती है, उस पीढ़ी के अंदर जो जनक थे उनके लक्षण फिर से प्रकट हो जाते हैं। चलो देखते हैं इधर इस तरफ, ठीक है। तो देखो, मेंडल ने लिए थे दो लक्षण, ये हो गए उसके दो लक्षण, ठीक है। ये है शुद्ध लंबे, ये है शुद्ध बोने। जब इनके मध्य क्रॉस करवाने का तरीका, पहला युग्मक इनका पहला, इसी का पहला और इसका दूसरा, तो लिख दो क्या क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। दूसरा युग्मक इसका पहला युग्मक कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर दूसरा युग्मक इसका और इसका भी दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी। जिन पीढ़ियों के मध्य हमने निषेचन की क्रिया करवाई, क्रॉस करवाया, वो तो पीढ़ी हो गई जनक पीढ़ी, ठीक है। और जो हमें प्राप्त हुई है ये हो गई F1 पीढ़ी। इनको बोला जाता है शुद्ध लंबे और इनको बोला जाता है शुद्ध बोने, ठीक है। और जो हमें पीढ़ियाँ नीचे प्राप्त हुई हैं इन सभी को बोलेंगे अशुद्ध लंबे। अब आप में आधे से ज़्यादा बोलेंगे कि इनको अशुद्ध लंबे क्यों बोला गया, क्योंकि भाई इनको हमने शुद्ध लंबा बोला, दोनों कैपिटल टी थे, शुद्ध लंबा बोल दिया। जो दोनों स्मॉल टी थे उनको शुद्ध बोना बोल दिया, और दोनों के बीच की तीसरी जो कंडीशन पैदा होती है वो होती है कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ, ठीक है। तो इसलिए इनको हम केवल अशुद्ध लंबे ही बोल सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे इसको अशुद्ध बोने क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि इनके अंदर जो प्रभावी जो लक्षण आ रहा है वो कैपिटल का ही गिना जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अशुद्ध लंबा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। ये तो हो गई हमारी F1 पीढ़ी। लेकिन मेंडल ने क्या किया कि F1 पीढ़ी के पादपों के मध्य फिर से क्या करवा दिया, निषेचन करवा दिया। कैसे करवाया, क्रॉस करवाया। तो कैसे करवाया, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी सभी में समान प्रकार के पादप प्राप्त हो रहे हैं, तो इसने कैपिटल टी और स्मॉल टी के मध्य फिर से क्या करवा दिया, क्रॉस। पहला युग्मक इसका भी पहला इसका दूसरा कैसे, कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर स्मॉल टी। यहाँ देखो, ये तो थे इनकी F1 पीढ़ी के लक्षण। F1 पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुए, कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हुए, इसमें भी प्राप्त हुए थे, इसमें भी प्राप्त हो रहे हैं। और ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी जो शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने जो पादप हैं, ये जो जनक पीढ़ियों में थे, ये हमें फिर से प्राप्त हो रहे हैं। कौन सी पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में। इसीलिए मेंडल ने इस नियम का नाम दिया था पृथक्करण का नियम, क्योंकि युग्मक इसमें क्या हो जाते हैं,
पृथक हो जाते हैं। तो जब भी आपको ये पूछा जाए तो सीधी कुछ सरल सी बातें लिखनी है, और उसके बाद जो अभी मैंने इस तरफ ये समझाया इसको समझाना है, ठीक है। तो इसमें देखो, पहली चीज़, जब भी पृथक्करण का नियम पूछे तो सबसे पहले यही लिखो कि यह एक संकर संकरण पर आधारित है, मतलब इसमें केवल एक ही लक्षण को काम में लेकर काम किया गया। फिर दूसरी चीज़, जब F1PT में युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि जनकों काल वही लक्षण कहाँ प्राप्त हो जाता है हमें, F2PT में, और इनको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, और एक और नाम से इनको जाना जाता है, और वो नाम हो गया इनका विसंयोजन का नियम। मतलब युग्मक पुनः अपने अपने आकार रंग रूप सभी में लौट आते हैं। फिर इसके बाद में लिखना आपको उदाहरण, और उदाहरण के अंदर इस प्रक्रिया को समझाना है। कैसे समझाओगे, तो देखो यहीं पे मैं बोल रहा हूँ, वैसे के वैसे आप लोग इसको लिख लेना, ठीक है। तो देखो, सर्वप्रथम मेंडल ने शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पादपों के मध्य क्रॉस करवाया, शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पादप शुद्ध बौने पादपों के मध्य क्रॉस करवाया, जिन्हें हमने जनक पीढ़ी नाम, जिन्हें मेंडल ने जनक पीढ़ी कहा। जब इनके मध्य संकरण या क्रॉस करवाया गया तो सभी पादप कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब अशुद्ध लंबे प्रकार के पादप प्राप्त हुए, जिन्हें हमने बोला F1PD, ठीक है। फिर बोलना है आगे की बात, जब F1PD के मध्य पुनः संकरण या क्रॉस करवाया गया तब हमें कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी पादप हमें प्राप्त हुए थे, जिनका लक्षण प्रारूप बोला जाए। लक्षण प्रारूप का मतलब लक्षणों के आधार पर, देखो ये भी शुद्ध लंबा, ये तो है शुद्ध लंबा, और ये जो दोनों बीच में हो गए ये हो गए अशुद्ध लंबे, और जो लास्ट में बच गया वो था अपना शुद्ध बोना। और बाहरी लक्षणों के आधार पर देखा जाए तो लंबे कौन है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, और ये भी लंबा है, लेकिन फर्क इतना है कि ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है। तो इनका अनुपात क्या हुआ, 3:1, ठीक है। और जब जीन प्रारूप की बात की जाती है तो जीन प्रारूप में होगा 1:2:1। आंतरिक संरचना के आधार पर शुद्ध लंबा कौन है, कितना प्राप्त हुआ, 1, अशुद्ध लंबा कितना प्राप्त हुआ, 2, और शुद्ध बौना कितना प्राप्त हुआ, 1, 1:2:1, ठीक है। तो इस उदाहरण को उसके बाद आपको इसमें इसके अंदर समझाना है, और जैसे ही आप इसको समझा दोगे, अब बात कर लेते हैं छोटी सी चेकर बोर्ड कैसे बनाया जाता है, चेकर बोर्ड कैसे बनाया जाता है, क्योंकि बहुत सौ के मन में समस्या रहती है कि चेकर बोर्ड बनाए कैसे। तो देखो, चेकर बोर्ड बनाने का तरीका, ठीक है, एक ही लक्षण के मध्य है और युग्मक हमेशा दो ही लिए जाते हैं, और यहाँ पर आप ये निशान बना दो, ऐसा और ऐसा, इनमें से ये नर का है और ये मादा का है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखना है F1PD के पादप जो प्राप्त हुए थे, हमें F1PD में कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुए थे, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, जिनके मध्य हमने निषेचन करवाया, क्रॉस करवाया, उन्हीं के मध्य हमें क्या करना है, ये लिखना है। जब इनके मध्य हम लिखेंगे कैपिटल टी, तो देखो हमें यहाँ पर भी यही प्राप्त होता, कैपिटल टी, तो ये रहा पहला लक्षण। फिर इस ब्लॉक में इस ब्लॉक का कैपिटल टी स्मॉल टी, ये रहा कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर आगे चलते हैं, इस ब्लॉक में इसका कैपिटल टी स्मॉल टी, ये रहा फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी, और लास्ट स्मॉल टी, ये रहा स्मॉल टी, और यही अपना क्या है, चेकर बोर्ड है। और इसी चेकर बोर्ड की सहायता से हमें मेंडल के नियमों को कई बार समझाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये तो था अपना पृथक्करण का नियम, ठीक है, छोटा सा है, चलो आगे।